फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आए हो। तो फ्रेंड्स देखें, अगर आप जियो सिम यूज़ करते हो और आपका नेट स्पीड बहुत ही कम है तो आप वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको ऐसा सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो सेटिंग्स आपके मोबाइल पे करने से आपका जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को आप फास्ट से लास्ट तक देखना, नहीं तो आपका कोई भी सेटिंग्स छूट जाएगा तो आपका जो काम है वो काम नहीं बनेगा। तो इस सेटिंग्स को करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल पर। तो देखिए, मेरा जो मोबाइल है मोबाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जाना होगा जो सेटिंग है सेटिंग पर। तो देखिए, मैंने सेटिंग पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाता है। फिर इधर देखिए सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स बोल के एक ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हो आपका जो भी सिम है सिम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, मैं जियो सिम को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इधर देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो आपको क्या करना होगा, एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो एपीएन सेटिंग्स है, मतलब पहले आपने किया हुआ है, तो सब कुछ इधर लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको रीसेट कर देना है। तो देखिए, मैंने रीसेट कर दिया। तो रीसेट करने के बाद जो डिफॉल्ट में जो भी एपीएन सेटिंग था वही इधर शो हो रहा है। फिर हम लोग जाएंगे न्यू एपीएन पर। तो देखिए, मैंने न्यू एपीएन पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद जो फॉर्म है एपीएन सेट करने का वो फॉर्म शो हो गया। तो इसमें जो भी मतलब डिटेल्स है सब कुछ डिटेल्स आपको देना होगा। तो वन बाय वन हम लोग सेट करते हैं। तो पहले जाएंगे नेम पर। तो नेम पर जाने के बाद आपको टाइप करना होगा जियो एपीएन। तो देखिए, जो कैपिटल में कर रहा हूँ कैपिटल कीजिए और जो स्मॉल करो स्मॉल कर लीजिए। तो मेरी तरह ही आप कर लीजिए। करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो हो गया देखिए नेम पर। फिर आपको जाना होगा एपीएन पर। तो एपीएन पर जाने के बाद आपको इधर टाइप करना होगा जियो नेट। तो सब कुछ स्मॉल में कर दीजिए, करके आप ओके कर दीजिए। फिर आपको देखिए प्रोक्सी में कुछ नहीं करना है, पोर्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है। यूजर नेम में जाके आपको क्लिक करना है और इसमें लिखना है आपको जियो बोल के आपको लिख देना है। तो देखिए, मैं जिस टाइप से कर रहा हूँ जियो स्मॉल में किया, तो करके ओके कर दीजिए। फिर आपको पासवर्ड में कुछ नहीं करना है, आपको सर्वर में जाके आपको इधर क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैंने सर्वर पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इधर आपको टाइप करना होगा www.jio.in। तो देखिए, सब कुछ स्मॉल में होता है आपको पता ही है। तो देखिए, मैंने टाइप कर दिया। टाइप करके ओके कर देना है। तो ओके कर दिया। फिर आपको एमएमएससी पर कुछ नहीं करना है, एमएमएस प्रोक्सी पर भी कुछ नहीं करना है, एमएमएस पोर्ट पर भी कुछ नहीं करना है, एमसीसी और एमएनसीपी में कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्लिक करना होगा ऑथेंटिकेशन टाइप पर। तो ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करके जो लास्ट वाला है पेप और चैप, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो हो गया। फिर आपको जाना है एपीएन टाइप में, आपको क्लिक नहीं करना है, आपको एपीएन प्रोटोकॉल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नीचे का ऑप्शन है उसको रहने दीजिए। फिर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी नीचे का जो ऑप्शन है उसी को ही रहने दीजिए। तो हो गया। फिर जाना होगा थोड़ा नीचे। तो नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो बीआरआर बोल के एक ऑप्शन है, तो उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए अनस्पेसिफाइड में टिक किया हुआ है, तो इसमें आपको अनटिक करना है और जो मैं टिक कर रहा हूँ उसी को ही आप टिक कर लीजिए। तो पहले आपको करना होगा LTE, फिर आपको करना होगा SSPAP, फिर SSPA। तो इस तीन में कर लीजिए। फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो इधर EDGE जो है उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और GPRS पे आप क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपका मोबाइल पर मल्टीपल वायरलेस सपोर्ट नहीं होता है तो आप ओनली LTE में ही क्लिक कर लीजिए, उसी से ही आपका काम बन जाएगा अगर मल्टीपल वायरलेस सपोर्ट नहीं होता है तो। फिर ओके कर दीजिए। तो देखिए ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद इस टाइप से आपको शो होता है। फिर जो मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। तो सेव करते ही इसमें शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जियो एपीएन जो हम लोगों ने अभी एपीएन का नाम दिया था, तो इसमें आपको एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपका मोबाइल पर एक बार क्लिक करने से अप्लाई नहीं होता है तो आप सेकेंड टाइम क्लिक कीजिए, तो सेकेंड अप्लाई हो जाएगा। तो एपीएन अप्लाई होने के बाद आप नेट चला के देखिए, कोई भी डाउनलोड करके देखिए आपका नेट कितना स्पीड होता है। तो देखिए, अगर आपका नेट स्पीड नहीं होता है मतलब एपीएन सेट करने के बाद भी, तो आपका मोबाइल जो है एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आप नेट को चेक करके देखिए कितना स्पीड होता है। तो इस सेटिंग्स के आपका जो भी मोबाइल हो मतलब जियो सिम यूज करते हो तो आपका मोबाइल 100% स्पीड होना ही होना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।